नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। मोदी का बड़ा हमला, कांग्रेस के लिए देश से बड़ा दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध पर चिंता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि पहले विपक्ष सत्ता पक्ष के घोटालों को उजागर करने के लिए ईमानदारी के पक्ष में आंदोलित होता था, लेकिन आज सत्ता पक्ष देश की खातिर भ्रष्टाचार एवं काले धन के विरुद्ध मुहिम चला रहा है और विपक्ष इसके विरोध में खड़ा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में मोदी ने पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए विपक्ष के रवैये पर तीखे प्रहार भी किए। उन्होंने देश की जनता से डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाने की अपील की और कहा कि लोग इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, इससे कालाधन सदा के लिए खत्म होगा और पारदर्शिता आएगी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में करीब 45 साल पहले वांगचू कमेटी ने नोटबंदी की सिफारिश की थी और कहा था कि अभी नोटबंदी की जाए तो देश को फायदा होगा। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा कि इस सिफारिश को 45 साल बाद हमने स्वीकार किया। इसी तरह से 1988 में राजीव गांधी सरकार बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून लेकर आई, लेकिन 25 साल तक उसे अधिसूचित नहीं किया और न ही नियम बनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 3 साल पहले यानी 2011 में अपने सरकार को काले धन को खत्म करने के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने के लिए कहा था, लेकिन 3 साल में एक भी कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971-72 में वांगचू कमेटी ने जब नोटबंदी की सिफारिश की थी तो कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन नेता ज्योतिर्मय बसु ने कहा था कि यह तुरंत किया जाना चाहिए, लेकिन आज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने आखिर में चाणक्य नीति का एक उदाहरण भी रखा। उन्होंने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि भाजपा और राजग के लिए दल से बड़ा देश है, जबकि कांग्रेस ऐसी नहीं है, उसके लिए देश से बड़ा दल है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। नितिन गडकरी ने कहा, टोल नाकों पर डिजिटल भुगतान पर 10% छूट पर अभी फैसला नहीं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र मोदी से मिला। रूस ने कहा, पुतिन ने दे दिया था हैकिंग के अमेरिका के आरोपों का जवाब। अमित शाह ने कहा, काले धन की पेनल्टी का पैसा गांव और गरीबों पर खर्च होगा। रोनाल्डो के 500वें गोल से रियल क्लब विश्व कप के फाइनल में। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।